नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले अपने रेनॉल्ट क्विड की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपने को रेनॉल्ट क्विड है उसका फ्रंट प्रोफाइल देखने के मिल जाता है। काफ़ी बड़ा कंपनी का लोगो मिल जाता है, उसी के साथ में क्रोम फिनिशिंग के साथ में इसकी ग्रिल है वो देखने की मिल जाती है। और आगे से देखते हैं तो कुछ ब्लैक एंड जो व्हाइट का कॉम्बिनेशन है वो इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रहा है। वहीं अपने हेडलाइट की बात करें तो इसके अंदर आपको लो बीम और हाई बीम दोनों का अलग अलग जो बल्ब है हेलोजन में देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको DRL ये मिल जाएगा और इसी DRL के नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर वो भी मिल जाता है। इंडिकेटर का अगर साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा साइज़ का आपको इसके अंदर इंडिकेटर वो देखने मिल जाएगा। और वहीं आपको सेम चीज़ें है वो इस तरफ देखने मिल जाएगी। नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाएगी। और वहीं आपको नीचे की तरफ आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आपको ग्रे फिनिशिंग मिल जाती है और उसी के साथ में जो वाइट का ट्रीटमेंट है वो आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस लुक मिल जाता है। वहीं आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो आजकल के SUV वगैरह में होता है वो सेम ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर भी अपने को मिल जाता है। और एक चीज़ इसके अंदर आपको अलग मिलने वाली वो इस गाड़ी का वाइपर, कुछ इस तरीके से आपको वाइपर मिल जाता है। नॉर्मल गाड़ी में दो मिलते हैं पर इसमें आपको एक वाइपर मिल जाता है और इसकी वजह से आपका जो मेंटेनेंस वगैरह वो भी काफ़ी कम हो जाता है। पर एक वाइपर का मतलब ये नहीं है कि ये काफ़ी कम एरिया कवर करता है, आपको सही बताऊंगी ये पूरा जो विंडशील्ड एरिया है ये पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और उसी के साथ में दो इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए दो इसमें लोहे की डंडी वगैरह है वो भी दी जाती है। वहीं आपको इसकी नोजल है वो भी यहाँ पे दी गई है और इसके अंदर आपको दो पॉइंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये पूरे जो ग्लास एरिया उसको कवर कर लेती है। आते हैं साइड में तो कुछ इस तरीके से आपको इसका जो साइड प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर 14 इंच के आपको स्टील रिम है वो देखने मिल जाते हैं, पर आपको इस जो टायर के साथ में जो इसमें कवर लगा के दिया जाता है जिसकी वजह से अपने को महसूस नहीं होने वाला कि ये किसी तरीके का स्टील रिम है। आपको जो फीलिंग है वो आपको एलॉय व्हील जैसी फीलिंग देता है, पर आपको यहाँ पे स्टील रिम है वो मिल जाता है। उसी के साथ में कैप मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्क ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट में और रियर में आपको ड्रम ब्रेक है उसका ऑप्शन मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा मिल जाता है यार, एक SUV वाली फीलिंग है वो अपने को मिल जाती है, वो आपको पहले बता चुका है। 184 mm की इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अपने इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। जो गांव वगैरह में आपको इस गाड़ी को ले जाते हैं तो किसी तरीके की कोई टच वगैरह नहीं होती। वही अपने साइड इंडिकेटर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं वो भी आपको साइड के IRVM के अंदर। और वहीं आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसका बॉडी कलर के अंदर साइड व्यू मिरर मिल जाता है और वहीं आपको इसको इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने का ऑप्शन है वो मिल जाता है, पर फोल्ड है आपको मैनुअल फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको जब हैंडल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको हैंडल मिल जाते हैं, चाबी लगाने के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है, पर हैंडल आपको पूरी तरीके से ब्लैक डिज़ाइन के साथ में ये हैंडल है ये आपको मिल जाती है। ऊपर की तरफ आते हैं तो रूफ रेल है वो आपको ब्लैक में मिलने वाली है। वहीं आपको पीछे की तरफ व्हाइट का ट्रीटमेंट है वो आपको इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। वहीं आपको ब्लैक टोन के साथ में ये गाड़ी अवेलेबल होती है। नीचे तरफ व्हाइट कलर है, ऊपर की तरफ आपको ब्लैक जो कलर है वो मिल जाता है। वहीं आपको जो छत है इसमें भी आपको कुछ इस तरीके से कर्व वगैरह का जो डिज़ाइन है वो आपको इस गाड़ी के अंदर जरूर देखने के लिए मिल जाता है। साइड में आते हैं तो साइड में कुछ इस तरीके से आपको इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जाती है। यहाँ पे आपको 28 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और वहीं आपको क्लाइंबर की बैजिंग है वो मिल जाती है, मतलब टॉप नॉच इसका जो वेरियंट है वो अपने को इसके अंदर मिल जाता है। इसमें क्लाइंबर से ऊपर आपको ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन वो जरूर मिलने वाला है। अगर प्राइस की बात करें तो 5,88,000 ex-showroom जयपुर के अंदर इसका आपको इस गाड़ी की प्राइस है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको लाइट मिलने वाले कुछ इस तरीके से लाइट मिल जाएगी। वहीं आपको इसके अंदर आपको हेलोजन के सेटअप के साथ में ये लाइट आती है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको इसमें रिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट का ऑप्शन है ये मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको रिफ्लेक्टर वगैरह वो मिल जाएगा और बम्पर का डिज़ाइन देखो यार, कुछ इस तरीके से आपको जो बम्पर का डिज़ाइन है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको व्हाइट का जो ट्रीटमेंट है वो आपको यहाँ पर भी इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, जिससे इसका जो लुक वगैरह और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और अगर बात करें इसकी डिग्गी तो डिग्गी अपने को अंदर से खोलने को मिलती है, पर यहाँ पर आपको चाबी लगाने के लिए प्लेसमेंट है वो जरूर मिल जाती है। क्विड की बैजिंग मिल जाएगी, पीछे की तरफ आपको कंपनी का लोगो और लोगो के अंदर ही आपको इसका रिवर्स का कैमरा है वो मिल जाता है। रिनोल्ट की बैजिंग है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाती है और दो पीछे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको जो पीछे का ग्लास एरिया है वो मिल जाता है और वहीं आपको हाई स्टॉप लैंप है वो भी अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो एक बार आपको इसका जो पीछे का बूट है वो आपको जरूर खोल के दिखाने वाला हूँ। पीछे का अगर बूट की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसके पीछे का बूट वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे उसके प्लेसमेंट मिल जाती है। और एक चीज़ और देखो यार, पीछे के लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे आपको पावर चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है, मतलब आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाए। इससे आप पीछे की तरफ अगर गाड़ी में हवा वगैरह डालनी है तो उसकी जो वायर वगैरह वो भी आप इससे अटैच कर सकते हैं। उसी के साथ में फ़ोन वगैरह है वो भी आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेपनी की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको रेड कलर के अंदर आप जो स्टेपनी है वो मिल जाती है। अगर आप इस स्टेपनी को यूज़ करते हैं तो आपको ये जरूर याद रहेगा कि अपने को जल्दी जल्दी इस स्टेपनी है इसको चेंज करना है। वहीं आपको टूल किट वगैरह वो मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे
279 लीटर यानी 280 लीटर का आपको पीछे की तरफ बूट स्पेस है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। और वहीं आपको साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल मिलता है। चलते पर गाड़ी के अंदर की तरफ, गाड़ी के अंदर चलने से पहले एक बार इसका आपको इसके की है वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें अनलॉक का बटन मिल जाता है और वहीं आपको लॉक का बटन है वो भी मिल जाता है। पर आपको लॉक करने पे इसका जो ग्लास एरिया है ये आपको फोल्ड नहीं होते, आपको साइड व्यू मिरर है वो आपको मैन्युअली फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से अपन इसको अनलॉक करते हैं और अब चलते हैं पर गाड़ी के अंदर। जैसे गाड़ी का डोर खोलेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा वाइड इसका डोर खुल जाता है और वहीं आपको क्रोम का ट्रीटमेंट है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वाइट इंसर्ट मिल जाएगा और पूरा डोर आपको ब्लैक में हार्ड प्लास्टिक के साथ में ये डोर आता है। यहाँ पर पकड़ने के लिए प्लेसमेंट मिल जाएगा और आपको देखो बोतल एरिया कितना बड़ा मिलता है, उसी के साथ में सामान देखो यार कितना ज़्यादा आपको सामान रखने के लिए प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। और सीटें आपको पूरी तरीके से फैब्रिक के साथ में सीट आती है, सीट पर सीटों के अंदर आपको टेक्सचर है वो आपको जरूर येलो येलो टेक्सचर है वो देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको व्हाइट और येलो टेक्सचर और इसमें जो इस गाड़ी की जो बैजिंग है वो मिल जाएगी, जो क्लिम्बर बैजिंग है इस गाड़ी के अंदर वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली। और वही आपको सभी सीटों पर जो हेडरेस्ट है वो आपको जो फिक्स वाले हेडरेस्ट है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। अब चलते पर गाड़ी के अंदर, जैसे गाड़ी के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इसका स्टेयरिंग है वो मिलने वाला है और स्टेयरिंग के अंदर आपको जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वो भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी, वो इससे रिलेटेड वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सेंटर में कंपनी की जो बैजिंग है वो मिल जाता है, लोगो मिल जाएगा और उसी के साथ में आपको दो एयरबैग है वो आपको आगे मिल जाएंगे, एक हॉर्न पे और एक आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ में क्विड की बैजिंग मिल जाएगी और 8 इंच का आपको टच स्क्रीन है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले वो दोनों वायर के साथ में इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल होते हैं। दो स्पीकर का ऑप्शन है वो जरूर इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है और उसी के साथ में TPMS का ऑप्शन मिल जाता है। यार आपको बोले इतनी छोटी गाड़ी के अंदर TPS का ऑप्शन है वो भी अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। जैसे क्लस्टर मीटर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इसका जो क्लस्टर मीटर वो ऑन हो जाता है पूरी तरीके से डिजिटल के साथ में ये आता है। यहाँ पे आपको RPM मीटर है ये भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो जैसे अपन चाबी ऑन करेंगे ये देखो पूरा ऊपर तक आएगा और अब ये नीचे जाएगा, तो कुछ इस तरीके से RPM मीटर मिल जाएगा। और आपको राइट में जो स्पीडोमीटर है वो आपको यहाँ पे जो सेंटर में है आपको स्पीडोमीटर वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा और जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह है चेक लाइट से रिलेटेड या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर मिलने वाली है। ये देखो यार काफ़ी बड़ी स्क्रीन वगैरह मैंने दिखाई दी आपको, 8 इंच की स्क्रीन है, एंड्रॉयड सब इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है वो भी आपको टच के ऑप्शन के साथ में। ये देखो यार टच वगैरह भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव जो टच है वो अपने इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और यहाँ से आपको इसके जो साइड साइड के जो ग्लास है उसको देखो यार इस बटन से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। और उसी साथ में राइट का अगर बात करें तो राइट में आपको कुछ इस तरीके से आपको जो राइट के ग्लास है उसको अपन अप और डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एजार्ड का बटन है वो भी मिल जाएगा और AC वगैरह है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी इफेक्टिव AC गाड़ी के अंदर मिल जाता है। वहीं आपको अगर AC के बटन से बात देखें ना यार काफ़ी ज़्यादा जो प्रीमियम लुक है वो अपने को इस गाड़ी के AC के अंदर मिलने वाला है। और वही आपको AC के कंट्रोल्स वगैरह वो भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको जिसकी स्पीड वगैरह है उसको भी मेंटेन करने का ऑप्शन है वो मिल जाएगा पूरे तरीके से मैनुअल के अंदर मिलता है। और वहीं आपको एयर जो का जो थ्रो है वो आपको बाहर से लेना है अंदर लेना उसको भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर गेयरबॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड का गेयरबॉक्स है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। हैंड ब्रेक आपको अपने को यहाँ पर मिल जाता है और उसी के साथ में दोनों की तरफ आपको सीट बेल्ट है वो भी मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा और उसके लिए आपको केबल वगैरह है वो भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। सामान अपने यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं, ये भी सामान और उसी के साथ में यहाँ पे भी सामान रखने का ऑप्शन अपने को इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। सामान वगैरह रखने में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं वाली। उसी के साथ में ग्लोव बॉक्स की साइज देखो यार काफ़ी बड़ा और काफ़ी मतलब बड़ी साइज का आपको इस गाड़ी के अंदर जो ग्लोव बॉक्स है वो अपने को इसके अंदर मिलने वाला है। IRVM की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको IRVM में डे नाइट मैनुअल एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और उसी के साथ में आपको सनवाइजर भी आपको दोनों तरफ सनवाइजर मिल जाते हैं पर दोनों में आपको वैनिटी मिरर वगैरह वो आपको इसके अंदर नहीं मिल जाता। यहाँ पर आपको जो माइक है उसका ऑप्शन मिल जाता है और उसी के साथ में जो हैलोजन लाइट है यानी रूफ लाइट है उसका ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। अब चलते पर गाड़ी के पीछे की तरफ की यार पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या है और क्या नहीं है। जैसे गाड़ी में पीछे की तरफ आते हैं तो आपको डोर है, डोर के अंदर आपको जो पावर विंडो का स्विच है वो आपको पीछे की दोनों डोर में पावर विंडो का स्विच है वो मिल जाएगा। और वहीं आपको सभी सीटों के लिए आपको सीट बेल्ट है वो भी मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपको
प्लेन सीट वगैरह उसका ऑप्शन आपको उस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, पर एसी वेंट है वो आपको पीछे की तरफ नहीं मिलता, और ना ही कोई पावर चार्जिंग सॉकेट है वो पीछे की तरफ नहीं मिलता, पर पावर चार्जिंग सॉकेट है वो आपको यहाँ ज़रूर मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का रिव्यू वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर गाड़ी के बारे में कोई और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है तो स्क्रीन वगैरह पर नंबर शो कर रहे हैं, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गाड़ी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।